नमस्कार, प्रकाशक के पटल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस बैठक में। बैठक में आज कुछ ऐसी बातें हैं जो दिल को छू लेने वाली हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो दिल में हमेशा के लिए घर कर लेने वाली हैं, और इन बातों को पिरोने का जो श्रेय जाता है वो हमारी सुधा जी को जाता है, आदरणीय सुधा जुगरान जी, सुप्रसिद्ध कहानी लेखिका, उपन्यास लेख कितने सारे इनके प्रकाशित होते रहते हैं, दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सुधा जुगरान जी की इस कहानी के साथ हम सब बैठक में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो मैं सुधा जुगरान जी का स्वागत करती हूँ। सुधा जुगरान जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार राजल जी। हमारी बैठक में आज पूनम मित्तल है। पूनम मित्तल, हेलो, वेलकम, स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं पूनम मित्तल मुंबई से हैं, और हमारे साथ लखनऊ से हैं पूनम श्रीवास्तव। पूनम श्रीवास्तव, स्वागत है आपका भी। तो अब आज की ये कहानी पढ़ते लेखिका सुधा जुगरान। फोन की घंटी बजी, माँ का फोन था। हेलो माँ, प्रणाम। खुश रहो बेटा। क्या हुआ माँ? गिर गई, कमर में दर्द हो रहा है। हाँ, पर वो तो तुमने कल शाम बताया था। नहीं रे, आज फिर से गिर गई। लेकिन तुमसे कल कहा था ना कि रेस्ट किया करो, बिना बात ज्यादा इधर उधर मत चलो। जिया को गुस्से का उबाल और चिंता एक साथ हो रही थी। माँ चुप हो गई। शायद कई बातें ऐसी होती हैं जिनका उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता। दोनों तरफ सन्नाटा सा पसर गया। बहुत दर्द हो रहा है क्या माँ? हाँ बेटा, बहुत। मनीष भैया को बताया? कल का तो बताया था, कल इतना दर्द भी नहीं था, पर आज मनीष के ऑफिस जाने के बाद गिरे। तो बताया? माँ फिर चुप हो गई, जिया भी चुप हो गई। कुछ बातों के जवाब चुप्पी में ज्यादा पारदर्शी और मुखर हो जाते हैं। अच्छा माँ, तुम सीधी लेटी रहो, मैं कुछ करती हूँ। जिया ने फोन रख दिया। पल भर बाद उसने मनीष को ऑफिस फोन किया। हेलो, मनीष की हेलो काफी व्यस्तता वाली थी। जिया को अनायास संकोच ने घेर लिया। भैया, माँ गिर गई। हाँ मुझे मालूम है, कल गिर गई थी। नहीं भैया, आज सुबह आपके ऑफिस जाने के बाद फिर गिर गई। ओफो, अब तो 5 बजे से पहले मैं ऑफिस से निकल नहीं पाऊंगा। मैं भी नहीं निकल पाऊंगी भैया, अमित की तबीयत ठीक नहीं है। मनीष भी इस बात को जानता था, जिया के पति की तबीयत काफी समय से ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, एक्सरे करवाना पड़ेगा, कहीं फ्रैक्चर न हो गया हो। मोबाइल ऑफ कर जिया बैठी ही रह गई। गुस्सा आया। कौन कहता है माँ को कि जबरदस्ती इधर उधर चलती रहे? अरे घर में सारी सुविधाएं हैं, काम करने वाले हैं, सीमा भाभी का एटीट्यूड छोड़ दे तो किस बात की कमी है माँ को? कमी तो है, बाबा को गए अभी 3 साल ही हुए हैं। दबंग बाबा, अपना बुढ़ापा, अपनी दबंगता, आर्थिक सक्षमता और पत्नी की सहभागिता के कारण संपूर्ण बिताकर चले गए। लेकिन बाबा के राजपाट की साम्राज्ञी 82 साल की माँ का कष्ट वास्तव में वृद्धावस्था के प्रति मनन चिंतन करने को विवश कर देता है। पति के जाते ही घर का भूगोल बदल गया, साथ ही सोल भी, और उस सोल में समाहित उनका व्यक्तित्व भी। बाबा के जाने के बाद उस दिन वो किचन में चाय बना रही थी। माँ, चाय की पत्ती चीनी के डब्बे कहाँ गए? किचन का तो पूरा नक्शा ही बदल गया है। अरे बेटा, ये रखे हैं। वो
वो माँ के चेहरे की उधड़ी परतों पर कच्ची सिलाई करने का प्रयास करती हुई बोली, चाय पत्ती चीनी खोलते पानी में डालते दिल के अंदर भी कुछ खोल गया, आंखों में नमी उतर आई, न जाने खोलते पानी के भाप की या फिर सोच की। पुटरे उठाती हुई बोली, चलो माँ आराम से बैठ के चाय पीते हैं। ऐसा नहीं है कि इस परिवर्तन से उसे या माँ को कोई गिला है, पर ये घर पहले भी तो सीमा भाभी का था। कईयों बार ये जताने का बताने का प्रयत्न सबकी तरफ से किया गया, पर उन्होंने इसे कभी अपना समझा ही नहीं। ऑफिस से आकर अपने कमरे में बंद हो जाती, चाय बनाई और फर्स्ट फ्लोर पहुंच गई। कई बार माँ बाबा और सीमा भाभी की चाय एक साथ गैस के अलग अलग चूल्हों पर बनती थी। महाराजन खाना बनाती तो घर के तीन सदस्यों का। सीमा भाभी अपना पका खाकर 7 बजे ही ऊपर अपने कमरे में समा जाती। बच्चे छुट्टी आते तब भी उनका यही रूटीन रहता, बच्चों की मर्जी, वो उनके साथ खाएं या सबके साथ। उन्हें अपनी नौकरी, अपने बच्चों और अपने मायके से मतलब था, लेकिन उन्हें खराब कहना भी मुश्किल था क्योंकि उन्होंने भैया को कभी नहीं रोका या फिर भैया पर उनकी कभी चली नहीं। वैसे बाबा ने भी अपने पराए किसी रिश्तेदार को सीमा भाभी के खिलाफ कुछ उगलने नहीं दिया। चाय पीते हुए उस दिन माँ के मन की किसी परत की सीवन फिर उधड़ गई थी। तुझे याद है तेरे बाबा के जाने के बाद 13वीं तक सबके सामने कितनी मीठी बातें करती रही। तुम ध्यान मत दिया करो, अरे वो तो पहले से ही ऐसी थी। ये घर तुम्हारा है, बेटा तुम्हारा ध्यान रखता है और मैं भी लोकल रहती हूँ। रुपए पैसे का इंतजाम बाबा तुम्हारे लिए काफी कर गए, इसलिए एक कमी की बजाय ना 4 खूबियों में मन लगाया करो। जिया ने उधड़ी परत की फिर मरम्मत करने की कोशिश की, पर बाबा के जाने के बाद 13वीं तक के दृश्य उसके सामने भी साकार हो उठे। सीमा भाभी की तटस्थता ने उसका दिल भी न जाने कितनी बार तोड़ा था। मनीष भैया के सामने या सार्वजनिक रूप से उनका व्यवहार बदल जाता, लेकिन अकेले में किसी का तिरस्कार करने के लिए उन्हें शब्दों की भी जरूरत भला कब पड़ती थी। वो सब तो वो अपनी आंखों और तटस्थ मुद्रा से ही कर देती, प्रणाम भी ऐसे देती जैसे चाबुक मार रही हो। वो सहम सी जाती। बाबा के जाने के बाद सीमा भाभी का माँ पर बिखरता छलकता प्यार देखकर पूरी रिश्तेदारी प्रभावित हो गई। सभी की जुबान पर बस एक ही वाक्य था, बहू हो तो ऐसी, देखा कैसे संभाल लिया सब कुछ। वो खुद अंदर तक पिघल गई थी, साथ ही निश्चिंत हो गई, चलो माँ का बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। लेकिन 13वीं खत्म होते ही मीठी मुस्कान, मीठी बातें सब वैसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। उसे अपनी चिंता नहीं थी, पर माँ का अशक्त बुढ़ापा एकाएक आंखों के सामने तैर गया। माँ को आर्थिक संपन्नता की कमी नहीं थी, पर अशक्त बुढ़ापा अगर आर्थिक संपन्नता के साथ बीत पाता तो शानदार फ्लैट्स में बंद बुजुर्गों की लाशें नहीं मिलती, बड़े घरों में नौकर बुजुर्गों की हत्या नहीं करते, 5-स्टार वृद्धाश्रम न खुलते। अशक्त बुढ़ापे को भावनात्मक संपन्नता की जरूरत होती है, जो एक पल उन्हें उनकी सुरक्षा और भले के लिए डांटे तो दूसरे ही पल उन्हें गले लगाकर बच्चों की तरह पुचकारे, उनके अंदर विश्वास का सागर भर दे। चाय पीते हुए जिया माँ के दिल की परतों की मरम्मत करती जा रही थी। माँ, सीमा भाभी का न्यूट्रल बिहेवियर छोड़ दो, उनकी कठोरता पे ध्यान मत दिया करो। ध्यान क्या न दो, अगर बगीचे से 2-4 तुरई लौकी किसी को दे दो तो हल्ला मचा देती है। ये क्या मैंने वर्षों सब्जियां बांटी हैं, अब ये मेरा घर नहीं है क्या? कोई बात नहीं माँ, अरे जब बांटनी थी तो खूब बांटी, कौन नहीं जानता इस बात को। बाद में घर की स्थायी तौर पर रहने वाली मेड सरिता से पूछा तो उसने बताया, माता जी ने किचन गार्डन से थोड़ी सी तुरई और लौकी निकलवाई थी, भाभी तो खूब गुस्सा हुई। अरे किसके लिए निकलवाई थी मालती? सामने मौसी आए थे ना मिलने, उन्हीं के लिए। दिल खराब हो गया जिया का। माँ इस सब की मालकिन है अभी, इस छोटी सी बात को भैया से कहकर कलह कोई नहीं करना चाहेगा,
और सीमा भाभी की ये कारगुजारियां, चालाकियां जो माँ के लिए बेहद अपमानजनक और मानसिक तौर पर पीड़ादायक होती है, कभी भैया के सामने नहीं आ पाएंगी। बाबा के बाद सीमा भाभी का मुंह खुल गया था। शाम को मनीष भैया माँ का एक्सरे करवा लाए। फ्रैक्चर नहीं था, मांसपेशियों की चोट थी। जानकर मनीष भैया और उसे दोनों को चैन मिला। उसने माँ को फोन करके लेटे रहकर आराम करने की सलाह दी। माँ ने कहा, जी जिया बेटा, क्या मैं तेरे पास आ जाऊं कुछ दिनों के लिए? माँ, ठीक तो हो जाओ पहले। ऐसी हालत में भैया तुम्हें आने नहीं देंगे। फिर अमित की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, अरे मैं दो दो को कैसे संभालूंगी? माँ अनिच्छा से चुप हो गई तो उसका अंतर्मन पिघल गया। अच्छा माँ, कुछ तो ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें आके खुद ले जाऊंगी। सारे दिन कमरे में अकेले लेटी रहती हूँ। मनीष तो आकर सुबह शाम हाल चाल पूछ भी लेता है, पर वो तो झांकती भी नहीं है। सरिता से भी मेरा ज्यादा बातें करना उसे पसंद नहीं है। नहीं तो भैया तो कुछ नहीं बोलते ना माँ, तुम कर लिया करो बातें सरिता से। अरे पता नहीं क्या क्या कहकर मनीष को भी भड़का देती है। फिर वो भी कहता है, माँ नौकरों से ज्यादा बातें मत किया करो। जिया निरुत्तर रह गई। सब कुछ समझते हुए भी वो माँ को बहलाती रहती है। माँ का उसके पास ज्यादा रहना भैया को गवारा नहीं होता। माँ भी इस बात से मन ही मन आतंकित रहती है कि कहीं मनीष बुरा ना मान जाए। माँ की मनस्थिति जिया अच्छी तरह जानती है, लेकिन चाहते हुए भी न कुछ बोल पाती है और न मनीष भैया को कुछ समझा पाती है। डरती है कि उसके कुछ बोलने से स्थिति और ना बिगड़ जाए। कहीं माँ के अकेलेपन की शिकायत करने से माँ और भी अकेली ना हो जाए। अगले दिन जिया माँ को देखने चली गई। माँ अपने कमरे में आंखें मूंदे खड़ी थी। वो माँ के पास बैठी तो माँ ने आंखें खोल दी। उदास, अकेली, सूनी सी आंखों में असंख्य दीप जल उठे। वो, अरे तू कब आई? तुम लेटी तो हो? दरवाजा पूरा खुला था, सरिता नहीं दिखी मुझे। आज भाभी घर पे है क्या? नहीं नहीं, दोनों गांव गए हैं। गांव? लेकिन तुम इस हालत में किसके भरोसे छोड़ के गए? सरिता के, और किसके। सुबह 5 बजे निकल गए थे, कह रहे थे रात तक आ जाएंगे। अरे मुझे फोन कर देते, अभी बाथरूम जाते समय तुम फिर गिर जाओ तो कौन है यहाँ देखने वाला? और गांव किस लिए गए हैं? पहले तो पापा ने कितनी बार कहा कि वो कभी कभी गांव चले जाएं, वहां की देखरेख कर लिया करें, तब तो कभी नहीं गए। गांव में एक मकान और जमीन जायदाद थी अभी, लेकिन दोनों में से किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। पर आज गांव जाना इतना जरूरी हो गया कि सीमा भाभी और भैया माँ को इस हालत में छोड़कर चले गए। लेकिन जिया खुद को गांव जाने की बात ना बताने का कारण जिसे समझ रही थी। वैसे माँ, हो सकता है भैया ने मुझे फोन इसलिए ना किया हो कि उन्हें लगा हो कि कहीं पुरखों की संपत्ति में मैं अपना अधिकार ना मांग बैठू। चलो छोड़ो, एक बात तो है, वो भाभी जिन्हें ना घर की खुशी से कुछ लेना देना था ना गम से, वो भैया के साथ चली गई। बहुत हैरानी हो रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि कम से कम भाभी गई तो, भैया के साथ खड़ी तो हुई। अरे अच्छा क्या है, वही तो मनीष को लेकर गई है। उसे अपनी नौकरी छोड़कर गांव की महिलाओं के साथ वही कोई काम शुरू करना है। कह रही थी गांव का घर ठीक कराना है, गांव के प्रधान से, बड़े बुजुर्गों से मिलना है, जान पहचान रहेगी तो काम में मदद मिल जाएगी। तुझे तो पता ही है ना कि अपने गांव का मौसम रसीले फलों के लिए बहुत अच्छा है, शायद उसी को लेकर कुछ करना चाह रही है। मनीष से मैंने कहते हुए सुना था कि वहां अदरक खूब होती है, शायद किसी के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने का सोच रही है। मुझे समझ नहीं आया।
ऐसा क्या करने की सोच रही है भाभी? पता नहीं बेटा, कल रात दोनों आए थे मेरे पास तो कुछ बता रहे थे, मैं ज्यादा समझ नहीं पाई, पर कह रहे थे कि बाबा के नाम से कोई काम शुरू करेंगे तो बाबा की जमा पूंजी की जरूरत पड़ेगी। जी हतप्रभ रह गई, पता नहीं क्या इरादा है उनका। कहीं भाभी ने भैया और माँ को बहला फुसला कर माँ की जमा पूंजी निकलवा ली तो? भैया भले ही उनके लिए सब कुछ करेंगे, पर दबदबा तो भाभी का ही रहेगा। अभी जब माँ अपने दम पर रह रही है तब भाभी उसे बात तक नहीं करती है, कोई मतलब नहीं रखती। फिर जब आर्थिक रूप से भैया पर माँ निर्भर हो जाएंगे तब का नजारा क्या होगा? सोचकर ही जिया को सिहरन सी महसूस हुई। उसने माँ को समझाने की एक कमजोर सी कोशिश की। माँ तुम अपना पैसा मत देना, बाबा के नाम से भाभी काम शुरू करना चाहती है ना, तो वो खुद करें। बाबा का जो भी तुम्हारे बाद बचेगा उन्हीं का तो होगा, फिर अभी से क्यों दे रही हो? माँ ने एक मजबूर खामोश सी दृष्टि उस पर डाली। वो महसूस कर गई उन खामोश निगाहों की मुखर भाषा को। माँ और वो दोनों चुप थे, पर उनके विचारों की श्रृंखलाओं के सिरे अपनी अपनी जगह पर शाखाओं प्रशाखाओं में खिंचकर एक दूसरे से टूटते और जुड़ते चले जा रहे थे। थैंक यू। तो इतना सुंदर, इतना बताए पूनम, दोनों पूनम गजब। और माँ का तो ऐसा ही ऐसी आवाज आ रही थी कि वास्तव में माँ की ही आवाज है। और राजू जी तो खैर हमेशा ही नौकरानी की आवाज भी, और सब की आप तो सब जगह फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जहाँ भी खाली हो वहाँ आप आपकी आवाज फिट हो जाती है। और पूनम मित्तल, मतलब ऐसे लग रहा था, मैं सुन रही थी आराम से तो मैं सोच रही थी कि वास्तव में मेरी कहानी है। तो पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी अभी सुनने में लग रही थी। और अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर भी टाइम निकाला, मुझे मालूम था आज आप कहीं गए भी थे अपने काम से, और आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबका बहुत शुक्रिया, इतनी सुंदरता से वाचन किया सबने कि शब्द नहीं है मेरे पास कुछ भी बोलने के लिए। सच में ये अपनी कहानी नहीं लग रही थी, मैं पहचान नहीं पा रही थी मेरी कहानी है ये, इतनी खूबसूरती से। और वो पता नहीं चला, कोई पोर्शन अगर हटाया भी है बीच में से तो वो नहीं पता चला, बिल्कुल स्टोरी पूरी है, पूरी थी। अब आज की इस संध्या को यहीं पर विराम दे रहे हैं, आप सभी हमारे साथ जुड़े, खास तौर से सुधा जी ने अपनी कहानी पढ़ने को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूनम श्रीवास्तव, पूनम मित्तल और अशोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बैठक को ऐसे ही गुजार रहे ये। तो अब आज की शाम के लिए धन्यवाद के साथ, नमस्कार।